गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। आप सब कैसे हो बेटा? वी आर फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। अगले सेशन लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ के खत्म किया था ना? यस मैम। चंद्र विचार यानी अब तक हम लोगों ने फर्स्ट टू थर्ड यानी तीन चैप्टर पढ़ के खत्म किया। आज हमें देखना है कि कितना आप लोग तैयार किए हो। चैप्टर तो फिनिश हो गया। यस मैम। यस मैम। लेकिन याद कितना रखे हो? याद कर किए हो नहीं आप लोग? हाँ बेटा मैम किए हैं। वैसे हमने बीच बीच में क्वेश्चन किया भी है सबसे। कुछ लोग बताते थे, कुछ लोग नहीं बताते थे, इसलिए आज स्क्रीन पे हम सबको रखेंगे और फिर एक एक से पूछते हैं, देखते हैं कितना तैयार रखते हो। और किसी को जो है कटना नहीं है इसमें से। जो 11 लोग 10 लोग जुड़े हो अभी जुड़े रहो, ठीक है? वैसे क्लास में लिखित परीक्षा लेते थे आप लोगों की, चैप्टर पढ़ाते थे तो, है ना? तो यहाँ लिखित तो संभव नहीं है। yes, ma'am. तो इसलिए आज मौखिक ही टेस्ट होगा तीनों पार्ट चैप्टर से। तो पहला चैप्टर आप लोगों का क्या था? चैप्टर का नाम बताइए। आकृति आपको नाम बताना है चैप्टर का, हर चैप्टर का। आकृति। यस मैम। हर चैप्टर का नाम क्या था? पेज पलटोगे तो बताओगी? नहीं आ रहा। गौरव। गौरव गौरव फर्स्ट मैम भाषा लिपि और व्याकरण। भाषा लिपि और व्याकरण मैम व्याकरण। हाँ तो भाषा किसे कहते हैं गौरव, आप बताएंगे? यस मैम। हाँ बताइए भाषा किसे कहते हैं? मैम भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वेरी गुड। चलिए आकृति आप बताएंगी, लिप क्या है? कथा सुनती हो क्या? हाँ याद नहीं कुछ तुम्हें? श्रेया बताइए लिप क्या है? बताइए श्रेया लिप किसे कहते हैं? जिससे नाम लेके बेटा उसी को बताना है। यस मैम। इसमें आप पता तो चल रहा है कितने लोग नहीं याद किए हैं, नहीं बोल रही है। अलका आप बताइए बेटा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले स्पीकर ऑन कीजिए। स्पीकर ऑन कीजिए पहले। मैम मौखिक भाषा को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। वेरी गुड। यानी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। सही है। चलिए लिपि कहते हैं। उत्कर्ष बताएंगे। उत्कर्ष व्याकरण क्या है बेटा? यस मैम। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? हाँ उत्कर्ष। भाषा के नियम, नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है, अर्थात व्याकरण हमें शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सिखाता है। वेरी गुड। दूसरे चैप्टर का क्या नाम था? मुस्कान बताएंगे। अभी हम चैप्टर के नाम पे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। मुस्कान। वर्ड विचार।
वर्ण विचार। सब लोग सुन पा रहे हो ना? यस मैम। आप बताएंगे वर्ण किसे कहते हैं? मैम किसी छोटे मैम जी टुकड़े नहीं किए जाते हैं उसे वर्ण कहते हैं। आगे भूल रहे हो, टुकड़े नहीं किए जाते हैं, किससे टुकड़े नहीं किए जाते हैं? काव्यांशु बताए बेटा किसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं? मैं वर्ण के, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। सटीक परिभाषा बताइए। हमने पूछा मैम किसी भाषा के मैम वर्ण किसी भाषा के छोटे से छोटे ध्वनि ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वह मूल इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। चलिए काव्यांश बताएंगे वर्ण के कितने भेद किए गए बेटा? काव्यांशु हाँ बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, थोड़ा मोबाइल के करीब आई, आप बहुत दूर लग रहे हो बैठे हो, आपका स्क्रीन भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा दिख रहा है छोटा सा। हाँ अब बोलिए। हाँ थ्री 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 आदर्श बताइए क्या इन्होंने सही बताया है? यस मैम। कौन कौन से एक्चुअली बताइए? यस बोल रहे हो दोनों लोग, बताइए कौन तीन है? अनुराग अपने मोबाइल रख दीजिए बेटा, एक जगह रख दीजिए, मुख करना बंद हो जाए। आइए आदर्श। महिमा आप ये जगह हो जाइए। चलिए नहीं बता पा रहे हो, अगला कोई बताएंगे अभिषेक। बेटा आवाज नहीं आई। वर्ण के कितने भाग किए गए हैं, कितने भेद किए गए हैं? अभी आपके आवाज नहीं आई। अभिषेक नहीं आ रही आवाज। महिमा आपके बगल से बहुत आवाज आ रही है। महिमा यस मैम। बेटा कौन है बोल रहा है जो हटाओ वहां से? मैम यही लोग, यही लोग हैं, डिस्टर्ब करोगे पूरे क्लास को। अभिषेक बेटा कहीं हो गए क्या? चलिए अनुभव बताएंगे। अभिषेक बता रहे हैं स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। आदर्श सुनिए बेटा, आदर्श और काव्यांशु आप लोग क्या पढ़ते हो? छोटी चीज ध्यान देता है, वर्ण के दो भेद किए गए स्वर और व्यंजन। अब आदर्श बताइए स्वर किसे कहते हैं, इसको तो बता सकते हो? यस मैम। आदर्श बताइए अ
गायब हो गए। हर्ष आप बताइए। पंत जी ने ध्वनि को बोलते समय हमारी सांस रुकावट के लिए किसी रुकावट बाहर निकलती है उसे स्वर 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 कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा सही है क्यों महिमा? स्वर किसे कहते हैं महिमा? यस मैम। स्वर किसे कहते हैं बेटा? नहीं तैयार है? कौन बता सकता है इतने में स्वर किसे कहते हैं? रेजर हैंड। चलिए अनुराग बताएंगे। अनुराग जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है? आकृति आप बताइए व्यंजन किसे कहते हैं? नहीं तैयार। कोमल मेरी आवाज सुन पा रही हो? कोमल चलिए आदर्श बताइए। मैं जो ध्वनि मुख के किसी भाग के टकराने से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या अभिषेक इनकी परिभाषा सही है? नो मैम। क्या होनी चाहिए परिभाषा? मैं क्या? हाँ बोलिए। मैम जिन ध्वनियों को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हाँ, जिन ध्वनियों को बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। हाँ चलिए खुशी आप भी कुछ बोलिए। बेटा आप बताइए। बताएंगी अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? खुशी अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ये बोलूंगी महिमा बता सकती हैं? कोमल आप बता सकती हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? यस मैम। बताइए बताइए कोमल। खुशी आपको नहीं बताना है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही ठीक से। स्पीकर प्ले सही कीजिए अपना। स्पीकर के पास आके बोलिए। जिन व्यंजनों के स्थित स्वर और व्यंजन के बीच से निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन?
सा है क्यों मुस्कान यारा लावा चार कुहन सा को तुम ला दियो। चलिए गौरव आप बताएंगे बेटा। गौरव उष्म व्यंजन किसे कहते हैं बेटा? उष्म व्यंजन मैम इन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख के किसी भाग से रगड़ खाती हुई निकलती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। कितनी संख्या में है क्या कौन कौन से हैं ये? मैम सा खष्टी सा छोटा सा और हाँ वेरी गुड। बताएंगी महिमा। अयोगवाह किसे कहते हैं बेटा? अयोगवाह कौन कौन से हैं बताइए। आवाज नहीं आ रही है नहीं आ रही है अभी नहीं आई आवाज। स्पीकर के सामने उनके बोलिए। नहीं आ रही है अभी नहीं आवाज आई आपकी अभी भी नहीं आई। स्पीकर देखिए ऑन है आपका जो लीड लगा रखी हो ऑन है आवाज नहीं आ रही आपकी। मुख खुल रहा लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नहीं आई नहीं आई आवाज बेटा। कुछ देखिए कुछ खराब तो नहीं है आवाज में उसकी आवाज बाहर नहीं आई थोड़ा भी आवाज बाहर नहीं आई। आकृति आप कर क्या रही हो आपके बगल से इतनी साउंड क्यों आ रही है? मैं वो बाइक जा रहा है सड़क के किनारे बैठी हूँ मैं वहीं पे हूँ मैं मेरा। चलिए आप महिमा आप बताना चाह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रेया बताएं। श्रेया बुक पेज पलट रही हैं थोड़ा समय दिख गया लेकिन बताओ श्रेया। अयोग वाह कौन कौन से हैं आवाज नहीं आ रही है? स्पीकर के पास आके बोलिए कि दूर से बोलिए। नहीं आ रही आवाज श्रेया बोलना नहीं चाह रही हो क्या? टाइम महिमा बेटा कौन है आपके पास? चलिए छोड़िए मुस्कान बताएंगे। मैम अनुस्वार अनुनासिक और विस्तार। सब लोग सुन पाए बेटा थोड़ा तेज बोलिए मुस्कान। मैम अनुस्वार अनुनासिक और विस्तार। अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। सब लोग सुन पा रहे हो ना? अनुभव यस मैम। अनुनासिक कौन सा है कौन सा वर्ण अनुनासिक है? मैम जिन वर्डों पे बिंदु लगती है उसे अनुनासिक कहते हैं। चंद बिंदु वाली है ना? उत्कर्ष अनुस्वार क्या है बेटा? उत्कर्ष नहीं आ रही हो थोड़ा करीब आके बोलो। बुक देख रहे हो
चीटिंग कर रहे हो ना? आवाज बाहर नहीं आई आपकी? आपके बगल से बच्चे की रूम की आवाज आ रही है बेटा, खटर पटर हो रहा है। मैम जी होते हैं अनुस्वार शब्द के, अनुस्वार कहते हैं। फिर से बोलिए। तारा नाक से होते हैं, फिर उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुराग क्या कह रहे हैं ये समझ पाए? नो मैम। आप बताइए अनुस्वार क्या है? मैम जिन शब्दों के ऊपर चंद बिंद लगा रहे उसे अनुसार कहते हैं। तो फिर अनुनासिक क्या हुआ? हाँ आप बस बताइए। मैम जिन शब्दों के ऊपर बिंदु लगा रहे हैं उन्हें अनुसार कहते हैं। अंग है ना, अंग बिंदु लगाओ अनुसार कहते हैं। जैसे उदाहरण दीजिए अनुस्वार का। मैम सुंदर। और अनुनासिक का? मैम चांद। क्या बोल? चांद, वेरी गुड। चलिए तीसरा चैप्टर क्या है बेटा? खुशी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। खुशी आप कुछ नहीं रिप्लाई किया, अभी रत्नेश बाकी। रत्नेश कभी कभी दिख पड़ते हैं, फिर हमें लग रहा नेटवर्क प्रॉब्लम है इनके यहाँ। रत्नेश, रत्नेश संध, संध है। संध किसे कहते हैं? खुशी बताइए। खुशी को बताना है। हल्का जुड़ी थी, जुड़ के कट गई है। हमने कहा था ना जो लोग जुड़े हो कटना नहीं है, लेकिन जुड़ के कट गई है। मैं क्या? खुशी कुछ बोलना ही नहीं चाह रही हो तुम? महिमा आप बोल सकती हो? आप क्या बोलिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। उत्कल बताइए सब किसे। मैम जिन वर्डों के होने वाले को संध कहते हैं। मैम जो वर्डों के मेल को मेल में होने वाले परिवर्तन को संध कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संध कहते हैं। काव्यांशु कुछ रिप्लाई कर रहे हैं। अलका जुड़ के फिर पर गायब भी हो गई। महिमा बोल रही है तो उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। श्रेया भी जुड़ने के बाद गायब हो गई। आदर्श। यस मैम। बेटा आप बताएंगे शब्द किसे कहते हैं? मैम वर्णों के मेल के होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द मैम संधि। शब्द मैं मेटल। हाँ बताइए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आई आदर्श? सुने? यस मैम। संध तो हुआ कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संध कहते हैं, लेकिन शब्द होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। थोड़ा सूक्ष्म अंतर है बोलने में, एक जैसा नहीं है, अर्थ में अलग भिन्नता है। आकृति आप ये भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दियो। आप बताइए वाक किसे कहते हैं? वाक्य। मेटल। आकृति को बोलने दो, एक भी जवाब नहीं दी है ये। आकृति बोलो जल्दी तीन बार। हाँ बोलिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाने वाली।
शब्द को वर्ड कहते हैं। सुन रहे हैं सब लोग, वे पढ़ाई करती है। बिना दिमाग के बिना गैस लगाए तुम बोल रही हो। गौरव बताएंगे वाक्य किसे कहते हैं? मैम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर वाक्य बनते हैं। चलिए अभी तो अब संद वाक्य ही रह गया है, समय भी समाप्त हो रहा है। यस मैम। क्या बेटा आप लोग अगले दिन भी तैयार होंगे? यस मैम। बढ़िया से पढ़ाई कर लेना, क्योंकि देखिए जितना पढ़ाई हो उतना आप लोगों को तैयार हो। हमें क्या, हमें तो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा दी, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि सुनना भी जरूरी है। क्लास जान लीजिए कि क्लास में हम सुन रहे हैं सबसे। यस मैम। इसमें अब देखिए कई दो ही चार लोग हैं जो रिप्लाई कर रही हैं, चार छह लोग बीच में से कट गए, चार छह लोग हैं बोलना चाह रहे हैं, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या है, नहीं बोल पा रहे हैं। तो संधि वाला बढ़िया से टॉपिक तैयार रखना अगले दिन के लिए, ठीक है? तीनों संधि के बारे में, और हम सब पूछेंगे उसका विच्छेद पूछेंगे। अभी आपके दो दो चैप्टर का हो पाया है ना, दो चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूरा क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाए हैं। तो ठीक है अभी दो एक क्वेश्चन और पूछते हैं क्योंकि सेशन समाप्त होने वाला है। भाषा के कितने रूप हैं? आकृति एक भी क्वेश्चन नहीं बता पा रही हो, बहुत छोटी चीज पूछ रही है मैम। नहीं है, नहीं है रूप। काव्यांशु, काव्यांशु काव्यांशु बोलिए, इससे बढ़िया उत्कर्ष साथ बोल रहे हैं, बोलिए उत्कर्ष। हम भाषा के दो रूप है मैम, मौखिक लिखित, लिखित रूप। मौखिक और लिखित, लिखित रूप। लिखित रूप क्या है अनुराग? जो भाषा लिखकर, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित रूप कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए, सामने आमने हम लोग बैठे हैं, बताइए। मैम पत्र लिखना। हाँ, पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविताएं लिखना। आकृति कुछ नहीं बताओगी तुम ना, जीरो लेवल पे हो तुम, बिल्कुल जीरो लेवल पे, कुछ नहीं बोल रही हो, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हो। मौखिक भाषा क्या है, इसको तो बोल सकती हो, तुमसे पूछ ही रहे हैं ना, बताइए थोड़ा दिमाग लगा के बोल दो।